जब किसी का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। कुछ ऐसा ही जस्टिन ट्रूडो के साथ होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जस्टिन के पिता पीरे ट्रूडो की 50 साल पहले ही खटिया खड़ी कर दी थी। देखिए, कनाडा में खालिस्तान की मांग कोई नई बात नहीं। ये मांग 60 के दशक में उठने लगी थी, जब सिखों ने भारत से धीरे धीरे कनाडा का रुख करना शुरू कर दिया था। वहीं 70 के दशक में भारत में अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे साल 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में बस चुकी थी। इसी दौरान भारत सरकार ने कनाडा से कनाडा ड्यूरेटियम यूरेनियम रिएक्टर यानी कैंडू रिएक्टर मंगाया। ये रिएक्टर शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाया गया था। बाद में यही मशीन दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बन गई। लेकिन एक मशीन कैसे दो देशों के रिश्ते खराब कर देगी? देखिए, आपको याद होगा 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने राजस्थान में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके बाद कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पीरे ट्रूडो खफा हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने परीक्षण के लिए कनाडा से कनाडा ड्यूरेटियम यूरेनियम रिएक्टर का उपयोग किया था। भारत ने इस रिएक्टर को आपसी सहायता के लिए मांगा था, लेकिन उसका सैन्य उपयोग किया गया, जिसके बाद पीरे ट्रूडो ने इसे विश्वासघात माना। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के संबंध बिगड़ने लगे। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कनाडा ने भारत से किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर रिलेशंस पर बैन लगा दिया था। लेकिन वक्त के साथ भारत ने अमेरिका, फ्रांस और रूस सहित 7 देशों के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किए। इंदिरा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बिना किसी से डरे न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद कनाडा ने अपना बैन बरकरार रखा। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार ये बैन 36 साल बाद खत्म हुआ, जब 2010 में कनाडा ने भारत के साथ दोबारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।